τις ερωτήσεις. ब्रेक के बाद बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन में आज पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें G20 के नेताओं के 2050 तक दुनिया के महासागरों में प्लास्टिक कचरे के डंपिंग को समाप्त करने के लिए सहमत होने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस भारत चीन त्रिपक्षीय मंच पर ओसाका में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान आतंकवाद से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जरूरत बताई थी। तो आपको बता दें कि आज जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दिन है, वहां पर G20 समिट का आयोजन किया गया है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है, जहां पर जलवायु परिवर्तन, व्यापार पर ब्राजील से बात की जा सकती है। तो आपको बता दें आज ब्राजील के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने मुलाकात की। मुकेश जी, इस G20 समिट को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जिस तरह से आज तीसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा और आखिरी दिन, तो इन दो दिनों को और आज का जो दिन है, इस पूरे G20 समिट पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन है G20। इसमें बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ शामिल हो रही हैं और प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मसले को एक बार फिर पुरजोर से उठाया है और उसके समाप्त के लिए एकजुट होने की उन्होंने 5 समस्याएँ भी गिनाई हैं सम्मेलन में और 5 सूत्रीय एक सुझाव भी दिया है, जिसे पंचारिस के नाम से उन्होंने संबोधित किया और उसके लिए सुझाव भी उन्होंने अच्छे दिए। मेन समिट के सम्मेलन में जो है, मुख्यमंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। दूसरा, उनकी ट्रंप से जो मुलाकात हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत सक्सेसफुल रही, जिसमें इनका शुल्क बढ़ाने को लेकर जो था, प्लस रशिया से जो 4000 विमान का खरीदारी पर था, उस विषय पर गनीमत है कोई बात नहीं हुई है। इसके मतलब कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की दिशा में भारत बढ़ गया है। ठीक बात है, ठीक है। तेज बहादुर जी, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, आज आखिरी दिन है, तो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, तो उनका, कई देशों के प्रधानमंत्री वहाँ आए, राष्ट्रपति भी आए हैं, तो उनका जो रवैया है वहाँ के अन्य देशों के साथ अपने विचार रखने का, तो जिस तरह के पहले भी आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने एक झंडा बुलंद किया था और उसका फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान का जो खूंखार आतंकी था, वैश्विक आतंकवाद घोषित किया गया उसको, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात यहाँ से आते हैं और रखते हैं। और दूसरे देश के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो इनको, इनकी बातों पर, इनकी बातों को समर्थन भी करते हैं और समर्थन करना, करने से ही मनोबल बढ़ता है इनका। और आप सोचिए कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि पहले भी हमारी दोस्ती भारत के साथ बहुत मजबूत रही और इस बार भी मजबूत रहेगी, भविष्य में भी मजबूत रहेगी, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जितनी ये देश की यात्राएं की हैं और जो इंटरनेशनल संबंध स्थापित किए हैं सम्मेलनों के माध्यम से, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा हर क्षेत्र में मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन मुकुल जी, जिस तरह से कह रहे हैं तेज बहादुर जी की जो इन्होंने विदेश दौरा किया है, इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो इनका विदेश दौरा है वो सिर्फ दौरा ही रहा है, उससे कोई लाभ नहीं मिल पाया है। विपक्ष का काम है चिल्लाना, लेकिन जो सामने सब दिख रहा है, उनकी ट्रंप से मुलाकात, उनकी चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात, जापान के राष्ट्रपति से मुलाकात, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात, रूस इस समय सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और हमारा पुराना मित्र रहा है। अच्छा, इस सब सम्मेलन में इनसे मिलने से सबसे बड़ी घटना जो है, परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, इससे पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। और यही हमारे विपक्ष का यही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना दौरा कर रहे हैं और देशों के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आतंकवाद, जहां पर आतंकवाद के लिए बातचीत करनी है वहां पर करनी चाहिए। हमारे जो दुश्मन देश है, बात करें अगर पाकिस्तान की, तो अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो पाकिस्तान से पहले बातचीत करनी होगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। पाकिस्तान के साथ तो वार्ता का साफ है कि जब तक आतंकवाद तब तक वार्ता नहीं, उसमें विपक्ष जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। हालांकि विपक्ष के तमाम लोग भी इस बात से एग्री हैं कि
आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ नहीं होनी चाहिए। जहां तक इस सम्मेलन का समय उठाने का आतंकवाद है तो बहुत बड़ा मंच है। एक तरफ वार्ता की बात करते हैं, दूसरी तरफ सेना पर हमला करते हैं, वही करें दो, ये बहुत बड़ा मंच है जहां राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति जो पाकिस्तान को मदद देते रहे हैं, आज तक अमेरिका मदद करता रहा है, उसको बहुत कुछ मदद कटी है और आतंकवादी घोषित, जैसे अभी टीवी सिंह ने बताया कि खूंखार आतंकी को जो है सूची में डाला गया है, और भी होगा, अभी आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन विपक्ष अभी कल ही एक प्रवक्ता का कहना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं है। जिस तरह से फिलहाल उन्होंने ट्रंप ने कहा कि अब हमारे रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं, हम एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, तो ऐसे में अगर अमेरिका भारत के प्रति इस तरह की बातें रखेगा, इस तरह का सोच रखेगा, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका से जो आर्थिक मदद है वो पाकिस्तान को मिलती है। देखिए पाकिस्तान की निगाह भी सम्मेलन पर है, पाकिस्तान को हमेशा जो है अच्छी मदद मतलब अमेरिका से मिलती रही है, लेकिन अब इस बीच जैसा बताया ना कि अमेरिका उतनी मदद नहीं करना चाह रहा है आतंकवाद को लेकर के। कितनी बार कुछ कुछ चीजों पर लोग आरोप भी लगा चुके हैं आतंकवाद के उसमें मुद्दे पर, अमेरिका पाकिस्तान ने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है, तो आर्थिक मुद्दे को देखिए, आर्थिक सहायता भी बंद कर सकता है, और आर्थिक सहायता बंद करने का मतलब आप सोचिए कि वहां का जीवन किस तरीके से लोग जीवन यापन करेंगे, तो सबसे मजबूत किसी को तोड़ना हो तो आर्थिक मजबूती से उससे मजबूती तोड़ दिए बस, तो कहीं ना कहीं ये है। अच्छा जहां तक रही भाई विपक्ष की बात, तो विपक्ष अपनी राजनीति करेगा, विपक्ष अपनी राजनीति करे, मोदी इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, और कई राष्ट्राध्यक्षों से जो दोस्ती जो मुलाकात वो करते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा भारत देश को, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं मिलेगा, भविष्य मिलेगा। लेकिन आखिर विपक्ष को ये चीजें क्यों नहीं दिखाई देती कि अगर पीएम मोदी विदेश दौरा कर रहे हैं या फिर देश विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं तो वो मुलाकात बेफजूल है? मुकुल जी, देखिए ये शुरू से जब से प्रधानमंत्री बने तो उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है कि ये सिर्फ बाहर विदेश यात्रा ही करते रहते हैं, यहाँ इंडिया में बहुत कम रहते हैं, जबकि उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने संबंध भारत के इतने प्रगाढ़ कर लिए कि आज फ्रांस से लेके जो कंट्री कभी नहीं होती थी वो भी आज हमारे साथ खड़ी हैं, सुरक्षा परिषद में सदस्यता दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, और ये बहुत बड़ा, अगर जिस दिन हमको भारत को ये सीट मिल जाएगी सुरक्षा परिषद में, ये बहुत बड़ा कदम होगा, और ये मोदी की नीतियों के कारण होगा। विदेश यात्रा यूं ही कोई घूमने टहलने नहीं जाता है, उससे हमारे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। आज अमेरिका इतना बढ़ चढ़ के हाथ क्यों मिला रहा है, गले लगा रहा है, उसका कारण है यही, उसको मालूम है एक मजबूत प्रधानमंत्री है देश का। ठीक है मुकुल जी, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में 70% से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या वाले सरकारी स्कूलों में उनके लिए अलग भोजन कक्ष बनाने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले पर विवाद शुरू हो गया, जहां भाजपा समेत विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक आधार पर छात्रों को बांटने की कोशिश बताया है। वहीं राज्य सरकार और सत्तारूढ़ TMC ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे तकनीकी मामला करार दिया है। दरअसल कूच बिहार के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल निरीक्षकों को भेजे सर्कुलर में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि जिन स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या 70% से ज्यादा है वहां उनके लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाने का प्रस्ताव भेजा जाए, जिसका अब विरोध शुरू हो गया है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासत गर्माती हुई दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो स्कूलों वाला मुस्लिम कार्ड खेला है उससे BJP संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब वहां पर सियासत गर्म हो गई है। तेज बहादुर जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, अब ममता बनर्जी स्कूल वाला मुस्लिम कार्ड क्यों खेल रही हैं? देखिए ममता बनर्जी की राजनीति थोड़ा सा अलग घटके है, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल इतने दिनों से गर्मा रहा है, चुनाव से लेकर के अब तक कितनी घटनाएं हुई, कितना क्या हुआ, तो नई चीज़ एक नई मायावती की तरह, मायावती ममता और एक मैडम और है, क्या नाम का, अब्दुल्ला है वो, महबूबा, एक मैंने अभी एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि महबूबा ममता और ये आपकी मायावती
ये तीन महिलाएं ऐसी देश में जो अलग ढंग से अलग राजनीति करती हैं, तो कोई ना कोई नया मुद्दा उठा करके अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और बीजेपी को चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नए नई चीज ला करके सामने रख देती है। अब नया मुद्दा बिल्कुल सामने आ गया है, जब तो बीजेपी ग्रुप उनको मालूम है कि हाँ इसको हम अगर इस तरीके से अपने राज्य में लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति फिर गरमाएगी। तो ये मुद्दे को, पुराने मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये नया खेल ममता बनर्जी ने अभी किया है। लेकिन शायद उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि धर्म के आधार पर बच्चों के भविष्य का बंटवारा हो रहा है। मुकुल जी, ये पूरी तरह से धर्म के आधार पर बंटवारे की कोशिश है और ममता आज शुरू से ही उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश करी है, बांग्लादेशियों को वहाँ की नागरिकता दिलाई है, रोहिंग्यों को बसाने का प्रयास किया है। आज जो सूची बनने है कि जिनको हटाया जाएगा उसका इसीलिए वो विरोध कर रही हैं। ये जहाँ तक इस आदेश का सवाल है, ये बहुत पुराना आदेश है जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ 70% मुस्लिम बच्चे हों वहाँ एक डाइनिंग हॉल बना दिया जाए। बड़ा हास्यास्पद है, मतलब डाइनिंग हॉल में बच्चे क्या करेंगे? उनको मिड डे मील खाने के लिए क्या मुसलमान बच्चे अलग बैठेंगे, हिंदू अलग बैठेंगे? तो ऐसे मतलब वो खुद ही धर्म के आधार पर लोगों को बांट दे रही है, जहाँ कहा जाता है हम सब साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का नारा है फिलहाल, लेकिन जिस तरह से वो धर्म के नाम पर सबको बांट दे रही है, ऐसे लोग एक साथ कहाँ दिखाई देंगे? तो आज बंगाल की जो स्थिति है, मतलब आग के अंगारे पे बैठा हुआ, उसका मूल कारण यही है। उस आग को बुझाने की जगह और भड़काने की कोशिश की जा रही है, उसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। जो स्थितियां वहां इसीलिए विकट हैं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम का इतना बंटवारा कर दिया है कि सारी सुविधाएं मुसलमानों को, सारी सुविधाएं मुसलमान हिंदुओं को कोई मतलब ही नहीं हुआ। मतलब एक जैसे अलग राष्ट्र देश बनाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, दूसरा कश्मीर पैदा करेंगी, क्या करेंगी, आई डोंट नो। तो जब धर्म के आधार पर वो इस तरह से कर रही हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं और एक तरह से बीजेपी को उकसाने की कोशिश कर रही हैं, तो जय श्री राम के नारे से परहेज क्यों करती हैं? तेज बहादुर जी, देखिए एक धर्म विशेष के बच्चों को अगर इस तरीके से, जिस तरीके से बोल भाई जी कह रहे हैं डाइनिंग हॉल बना रहे, ये नहीं करना चाहिए। ये तो सीधे सीधे जो है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारत की जनता के साथ एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये उस नारे को, तीन शब्द को बिल्कुल इतना ज्यादा टिंच कर रही है ममता बनर्जी जी कि उससे बिल्कुल अलग हटके चल रही है। तो बिल्कुल साफ है कि आप जो है केवल मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं, और मुस्लिम कार्ड पहले भी खेल सकती थी आप, लेकिन नहीं खेली। उनको पता है कि पुरानी जो, क्योंकि अब उनको ये डर है कि विधानसभा चुनाव में उनका नैया पलट हो सकता है, ऐसे में अब वो सोच रही है कि किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ, अपने पल्ले में किया जाए, अपनी तरफ लेने के लिए पूरे प्रयास करेंगी किसी न किसी तरीके से। जैसा अभी ये बच्चों वाला है, तो इसके बाद भी और भी खेल सकते हैं, क्योंकि उनको चिंता बहुत ज्यादा है कि आने वाला चुनाव हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारे हाथ से ये बिरादरी निकल जा रही है, एक वोट बैंक हमारा जो है खिसकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ममता की ये चाल उल्टी पड़ गई है, क्योंकि ये इन्होंने चुनाव से ठीक पहले भाजपा को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया, भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब इसी कार्ड पर देखिए आगे चुनाव का खेल होगा, क्योंकि एक धर्म को वो लेकर चल रही हैं, और ऐसे में वहां पर सिर्फ एक धर्म के लोग तो है नहीं। हाँ ठीक है, मुस्लिम वोट बैंक है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ऐसे में एक ही तो है नहीं। तो वो अगर धर्म के आधार पर चुनाव लड़ेंगी तो कतई उनका नैया पार होने से रहा। लेकिन मुकुल जी, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या अगर मुस्लिम कार्ड वो खेलती हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको इसका बेनिफिट मिल पाएगा? आपने लोकसभा देख ही लिया, लोकसभा में क्या हुआ, मुंह की खाई है ममता ने। लाख मुस्लिम कार्ड खेलने के बावजूद कितने इलाकों उन्होंने खाली करा दिए जहाँ हिंदू पलायन कर गए सिर्फ वोट बैंक के कारण, तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है। इस बार वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली, इस बार 18 सीटें मिली, ऐसे में जो आंकड़े थे वो एक तरह से काफी ऊंचा छलांग लगाया है बीजेपी ने। अरे इतना तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए बेहद सोचने वाली बात है, और मुस्लिम कार्ड से उनका नैया पार हो पाएगा नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इतना तो बीजेपी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि हमें 18 सीट मिलेंगी, इन्हें अप्रत्याशित जीत मिली है भाजपा को, और उसका मूल कारण यही है कि इनकी जो नीतियां हैं ममता की, तानाशाही वाली प्लस मुस्लिम परस्त, उसके कारण ये हुआ है। तो ऐसे में अगर जय श्री राम के नारे से परहेज कर रही हैं और दूसरी तरफ धर्म के साथ वो चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक
जो संदेश जा रहा है वो इनकी छवि को खराब करने वाला जा रहा है। तेज बहादुर जी, देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये बहुत ही चिंतित हैं और इस उसी चिंता का ये असर है जो इस तरीके से ये कार्ड खेल रही है। लेकिन देखिए, जब अगर जय श्री राम के नारे से परहेज इनको है तो क्या इससे परहेज लोगों को नहीं होगा? क्या ये धर्म के नाम पर जो है लोगों को बांट रही है प्रकार से, और भारत सरकार प्रधानमंत्री हमारे सबको जोड़ते हुए चल रहे हैं। सर, लोगों को परहेज नहीं लेकिन लोगों को अफसोस होगा कि जिस तरह से हर कोई एक साथ होना चाह रहा है और वो वहां पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करी, और वो भी बच्चों को जिनके भविष्य बट जाएंगे उस धर्म के आधार पर, जिस तरह से वो कर रही है। असर समाज पर बहुत बुरा पड़ने वाला है, उन बच्चों पर भी पड़ेगा जो हिंदू मुस्लिम बच्चे एक साथ होंगे। ऐसे में अगर मुस्लिम बच्चों को बांटेंगी तो वो भाव उनके अंदर बचपन से ही पनपना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पनपना शुरू हो जाएगा, जो उसका असर पड़ेगा, उसका असर इतना पड़ेगा कि हिंदू बच्चे मुस्लिम बच्चे सब साथ पढ़ते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन ये मैंने कहा ना कि चुनाव जो आ रहा है, चुनाव वो आने वाला चुनाव इनको काफी डिस्टर्ब किए हुए है। किस तरीके से लोकसभा में 18 सीटें बीजेपी ने ले ली, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं हमारे हाथ से राज्य की सत्ता छिन न जाए अगले चुनाव में। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है ना तेज बहादुर जी, की क्या राजनीति की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा सकता है? ठीक है, आप वहां पर हिंसा हो रहा नहीं रोक पा रही है, लेकिन जो मासूम है कम से कम उनके साथ तो राजनीति ना करिए। बिल्कुल, बच्चों के साथ तो कम से कम राजनीति बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, और जिस तरीके से राजनीति हो रही है इसका चुनाव पर बहुत असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास सबका जिस तरह भारत प्रधानमंत्री हमारे चल रहे हैं तो सबको लेकर चल रहे हैं। अगर आप हम सबको लेकर नहीं चलेंगे तो इस तरीके से एक जात को लेकर के चलेंगे तो बस पिछले चुनाव में आपने देख लिया क्या असर हुआ, तो वही असर होने वाला मुझे लग रहा होगा। तो लेकिन है बहुत चिंतित है ममता जी आगामी चुनाव को लेकर के, इसीलिए हो सकता है कि अभी चुनाव से पहले एक दो कार्ड इस तरीके से और खेले हो अन्य जातियों के लिए। लेकिन जिस तरीके से वहाँ घुसपैठियों की भरमार है और जो बाहर के लोग आ रहे हैं, और जहाँ जिस तरह इलेक्शन में आपने देख लिया भाजपा के लोगों को किस तरीके से खदेड़ कर मारा गया, वहाँ जो कमेटी गई उसको भी काफी उन्होंने काफी खरी कोटी सुनाई, तो कहीं ना कहीं चिंता इनको सता रही अगले आने वाले विधानसभा चुनाव की। टीवी जी, 10 साल पहले तक बंगाल की ये स्थितियां नहीं थी, वहाँ सांस्कृतिक मेल इतना व्यापक था कि दुर्गा पूजा के पंडाल में जितने बंगाली हिस्सा लेते थे उससे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी उसमें भाग लेती थी, और सब साथ मिलके निर्माण कार्य से लेके पंडाल बनाने से लेके सारा काम मुस्लिम करते थे। लेकिन अब तो बचपन से ही बच्चों के अंदर ये पनप जाएगा ना। ये बंटवारे की राजनीति क्यों कर रही है, ये अपना ही नुकसान उठाएंगे आने वाले चुनाव में, ये 100% जान लीजिए आप। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो मुस्लिम कार्ड वो खेल रही है उससे उनको नफा होगा या नुकसान होगा। फिलहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की निगाहें आंध्र प्रदेश में जड़े जमाने पर हैं। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के 6 से 4 राज्यसभा सांसद पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं, और उसके कुल 23 विधायकों में से 13 भाजपा के संपर्क में हैं। दरअसल तेलुगु देशम पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी की जगह भाजपा मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी। हाल ही में संपन्न लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा आंध्र प्रदेश में एक भी सीट जीत पाने में असफल रही थी। सभी 175 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा इस बार आंध्र प्रदेश में अपनी जड़ें जमा पाएगी? मुकुल जी, जिस तरह से इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई, ऐसे में अब आंध्र प्रदेश बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखिए, तेलुगु देशम टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू से उनकी तानाशाही रवैये से वहाँ के विधायक वहाँ के एमपी जो जनता पूरी तरह से नाराज है, और यही वजह है कि उनको एको सीटें नहीं मिली। रेड्डी का झुकाव, आज प्रधान मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका झुकाव पूरी तरह से मोदी और भाजपा की तरफ है, तो हो सकता है आने वाले समय में बड़ा उलटफेर हो और मुख्य विपक्षी दल भाजपा हो, क्योंकि वहाँ के जिस तरह से राज्यसभा मेंबर टूट के आए हैं वैसे विधानसभा में भी इनके मेंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तेज बहादुर जी, आपको क्या लगता है? देखिए, टीडीपी भी जो है, आपको याद होगा टीडीपी भी जो है बीजेपी के सहयोगी पार्टी हुआ करती थी, एक चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते थे। इस बार अब ये अपने महागठबंधन को मिलाने में
एक करने में पूरी ताकत लगा दिए थे और उधर उनका परिवार पूरा बिखर गया राज्य का, तो इस चुनाव में तो बिल्कुल बहुत ज्यादा उनको डिस्टर्ब नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को एक भी सीटें वहां नहीं मिली है, लेकिन जो जगनमोहन रेड्डी जो है वहां के चीफ मिनिस्टर है, उनका झुकाव कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के प्रति है, और यही कारण है कि वहां के जो टीडीपी वाले नेता है और भी आ रहे हैं, पहले भी साथ थे और बीजेपी में शामिल होने की कवायद जो चल रही है, तो अगर आ रहे हैं तो जो थोड़े बहुत बचे नेता वहां पर सब आ जाएंगे बीजेपी में, तो बीजेपी वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरेगी, और आने वाले चुनाव में फिर हो सकता है कि कुछ नई रणनीति बदल करके सामने आए। ठीक है, जिस तरह से इस बार बीजेपी वहां पर अपना परचम नहीं लहरा पाई, ऐसे में जो तेलुगु देशम पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं या जो भी कार्यकर्ता उनके हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पहले 6 में से 4 राज्यसभा सांसद शामिल हुए और उसके बाद अब 23 विधायकों में से माना जा रहा 13 भाजपा के संपर्क में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तेलुगु देशम पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, आखिर बीजेपी की तरफ क्यों इतना झुकाव दिखाई दे रहा उनका? टीडीपी के चंद्रबाबु नायडू की तानाशाही हमने आपको बताया ना, उनकी जो रवैया है वो बेहद हर एक के प्रति बहुत खराब रहता है, और इधर उन्होंने भाजपा के खिलाफ मुहिम छेड़ करके उसमें आग में घी डाला है और उसका नुकसान उन्होंने उठा लिया अपना खुद ही, जैसा अभी टीवी से उन्होंने बताया कि वो महागठबंधन बनाने के चक्कर में कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है दौरे शुरू कर दिए, रिजल्ट आया नहीं था, उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री चुन लिया था, तो उसका जो है फल भोग रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वो एकजुट कर रहे थे विपक्ष को, ऐसे में मुंह की खानी पड़ी, तो एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो स्थिति, क्या आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू भी इस तरह से कर सकते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति और आंध्र प्रदेश की स्थिति में बड़ा फर्क है, जो हालात वहाँ के पश्चिम बंगाल के हैं वो हालात वहाँ नहीं, वहाँ पॉलिटिकल कुछ समीकरण वहाँ के बदलते नजर आ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने ही कहा कि 13 विधायक अभी संपर्क में, तो धीरे धीरे बीजेपी की नीति और बीजेपी की कार्यशैली और कार्यप्रणाली को देखते हुए होता क्या है कि अगर विपक्ष जो है विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो सत्तापक्ष भी जो है उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा वहां पर, तो विपक्ष में बैठने के लिए कवायद वहां आंध्र प्रदेश में बीजेपी द्वारा रची जा रही है कि हम वहां पर विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष में बैठ करके ही जो है अपनी पूरी रणनीति वहां पर तय करेंगे। लेकिन ऐसे में जहां 175 सीटों पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, ऐसे में कड़ा मुकाबला होगा आंध्र प्रदेश में। मुकाबला तो कड़ा हो गया हुआ, लेकिन यह है कि देखिए किस तरीके से, लेकिन उसकी तुलना जो जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल अलग है ममता बनर्जी की, तेलुगु देशम की राजनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि महागठबंधन के चक्कर में चाहे बिल्कुल, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति के चक्कर में किसी भी तरह के मसले को उठा सकते हैं, किसी भी तरह की चीजों को समेट सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव में लगातार विपक्ष को एकजुट करने के लिए इतना दौड़ा भागी किए, तो ऐसे में वहां की राजनीति किस तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी अपना खाक जमाने के लिए पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। राजनीति बिल्कुल पलट चुकी है। देखिए, ये भी एक तरह का मोदी का प्रभाव बोलेंगे, मोदी इफेक्ट है कि उनकी नीतियों और उनके प्रभाव से ही वहाँ राज्यसभा के 4 आए हैं। अब 4 आने के बाद वो चाहेंगे कि हमारा पैर जो है आंध्र में भी जमे और उनके कार्यकर्ता और वो सब एकजुट होंगे, और ये पक्का जान लीजिएगा कि सब बीजेपी के समर्थन में आके एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरेगी, टीडीपी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब हर राज्य में, ज्यादातर राज्यों में मोदी और शाह का लोगों में खौफ होने लगा है, लोग जो विपक्ष पार्टी दल के नेता हैं विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल होने की कवायद शुरू कर दिए हैं। तेज बहादुर जी, देखिए तो है ये खौफ तो होना भी चाहिए, वो खौफ हो भी रहा है, क्योंकि मोदी और योगी की जोड़ी अब परफेक्ट हो चुकी है, वो किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक समीकरण को अपने हिसाब से तोड़ने में मरोड़ने में और फिट करने में बिल्कुल वो हो गए हैं, परफेक्ट हो चुके हैं, और हमें लगता है कि टीडीपी को बिल्कुल तोड़ देना चाहते हैं, और जिस तरीके टीडीपी वाले यहाँ आ रहे हैं, विधायक भी अगर आ जाएंगे तो उसी टीडीपी के कार्यकर्ताओं से ही जो है बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हीं से वो राजनीति वहाँ पर करेंगे, और जिस तरीके राज्य में मजबूत करेंगे अपनी स्थिति, तो उन्हीं टीडीपी के ही लोगों को अपने शामिल करके ही तभी कर सकते हैं, और ये कवायद उनकी चल रही है, लगता है इसमें सफलता उनको मिलेगी। ठीक है मुकुल जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव से पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हमारे जो प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसको समर्थन करेंगे। अब मोदी सरकार सेंटर में आ गई है, दोनों के बीच
जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है। हाँ, सरकार बनने से पहले ही वो इस चीज की मांग कर चुके हैं। और अमित शाह से भी इस परिपेक्ष में मुलाकात किए, मोदी जी से भी मुलाकात की। काफी पिछड़ा इलाका है और ये भाजपा के लिए इस समय सबसे स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है। अगर विशेष राज्य का दर्जा या कुछ इस तरह की सुविधाएं वहाँ बजट एलोकेशन में हो जाता है इस बजट में, तो आप निश्चित जान लीजिए वहाँ बीजेपी की ख्याति बढ़ेगी और इसके बाद बीजेपी के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे आपको, क्योंकि रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। AN-32 विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शव को निकालने गए बचाव कर्मी अभी तक वापस नहीं लौट पाए हैं। ये दल अरुणाचल प्रदेश के इस बेहद दुर्गम इलाके में पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंचा, जहां पर AN-32 विमान हादसे का शिकार होकर गिरा था। बताया जा रहा है कि उस इलाके में मौसम भी बिगड़ता रहता है, जिसके चलते अब इस बचाव दल को एयरलिफ्ट करने के लिए मौसम सुधरने का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि असम के जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में मेचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए उड़ान भरने के बाद 13 जून को विमान लापता हो गया था। इस विमान में 13 लोग सवार थे। लापता विमान के मलबे की तलाश के लिए वायुसेना ने ऑपरेशन तलाश चलाया था, जिसमें ये बचाव कर्मी गए हुए थे। हालांकि बचाव कर्मी अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे में रेस्क्यू टीम अभी भी दुर्गम जंगलों में फंसे लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि वहां पर मौसम खराब रहता है, जिसकी वजह से अभी ये एयरलिफ्ट नहीं हो पा रहा है। मौसम सुधरने का इंतजार किया जा रहा है। तेज बहादुर जी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पहले AN-32 विमान लापता होता है, फिर वहां पर 10 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, अब जो बचाव कर्मी गए हैं उनकी भी जान खतरे में आ गया है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? अब इस पर किसी प्रकार कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, ये प्राकृतिक आपदा है, मौसम भी खराब है और विमान वहां अगर गिरा है तो बचाव है, रेस्क्यू टीम सक्रिय है और रेस्क्यू टीम ही जो है अगर फंस जाएगी तो उसके लिए भी जो है कुछ ना कुछ जैसे आप मौसम का इंतजार किया था, मौसम हो सकता है सही हो तो हो सकता है रेस्क्यू टीम आगे बढ़ करके और भी सर्च आगे अपनी बढ़ाए और हो सकता है कि उसमें सफलता मिले, क्योंकि मौसम अगर खराब रहेगा तो मौसम के खराब होने के कारण रेस्क्यू टीम भी जो है कोई काम नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन मुकुल जी, ऐसे में उन बचाव कर्मियों का जान तो खतरे में है ना, जो लोग 9 दिन से फंसे हुए हैं। हालांकि जो AN-32 विमान था उसका मलबा वगैरह तो मिल गया उनके ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन द्वारा, लेकिन अब उन बचाव कर्मियों का क्या जो 9 दिन से फंसे पड़े हैं? देखिए, बड़ा दुखद घटना हुई है जो भी थी और उनके शव भी मिल गए, ये अच्छा हुआ काफ़ी मशक्कत के बाद। इस रेस्क्यू टीम का जो है फंसना, हमें लगता है कि दुर्गम स्थल है, मौसम साफ होगा तो इनको अपलिफ्ट किया जा सकेगा, उसमें हमें लगता बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रेंड आदमी ही पूरे वहाँ गए हैं कमांडो स्तर के, उस किसी न किसी तरह निकाल लिए जाएंगे। तो क्या अगर मौसम खराब है, क्या ऐसे में कुछ नहीं किया जा सकता उन बचाव कर्मियों के लिए? तेज बहादुर जी, नहीं, अभी तो किया जा सकता है, अब इस पर तो हम लोग चूंकि टेक्निकल है नहीं, तो उसमें भाई मौसम खराब होता है तब भी विमान उड़ता है, तो हो सकता है कि कोई कवायद की जा रही हो, सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रहा, सेना विमान नहीं, वो सीमा पर सबसे दुर्गम स्थल है, वहाँ का मौसम हमेशा लगभग खराब रहता है और उसमें विमान विमान हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। जब AN-32 विमान लापता हुआ था और उसको सर्च करने में, उसको ढूंढने में इसलिए इतना ज्यादा टाइम भी लगा था, इसीलिए कह रहे हैं वो बहुत दुर्गम स्थल है, वहाँ पर विमान का पास होना ही बड़ा कठिन है, इसलिए उसको रेस्क्यू टीम को कब तक बाहर ला सकते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। तो क्या अगर वहाँ ऐसी चीजें होती हैं, बार बार इस तरह के हादसे होते हैं कि विमान लापता हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उन जगहों पर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे कि इस घटना से बचा जा सके, या ये घटना इस घटना में बढ़ोतरी ना हो कि वो घटना थोड़ा कम हो? हाँ, इससे सबक लेना चाहिए कि उन स्थलों से बचकर विमान को गुजारना चाहिए। चीन बॉर्डर पर है अरुणाचल के, बहुत ही खतरनाक जगह पर है, बल्कि पहली शंका लगाई गई थी कि चीन ने तो कुछ नहीं करा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो पर्यावरणविदों ने उसकी जानकारी दे दी थी कि वहाँ का मौसम बेहद ख़राब है और वहाँ से कोई भी विमान या हेलीकॉप्टर पास होना बहुत मुश्किल है। जब ये AN-32 विमान लापता हुआ था, ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा था, केंद्र सरकार पर, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि ये तो सरकार की कमियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आती। तेज बहादुर जी,
देखिए विपक्ष का मैंने पहले ही कहा, विपक्ष का तो विपक्ष भी चुकी है, तो विपक्ष का तो कहना अपना अपनी बात कहेगा कहेगा, उनको विपक्ष की चीज़ों को लेकर के ऐसे मुद्दे पर इस तरह नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन फिर भी सरकार तो सजग ही है, सरकार अपना पूरा काम कर रही है, इसको टीम भेजी हुई है, तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सरकार कुछ चिंतित नहीं है। और जैसा मुकुल ने कहा कि दुर्गम स्थलों पर जो पर्यावरण ने कहा है कि हाँ ऐसी कुछ घटना नहीं जो चीन से जोड़ी जा रही है, बॉर्डर होने के बाद कई तरीके की शंकाएं होती हैं कि हो सकता है कि इनके ऊपर किसी प्रकार की घटना वो हो गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें लगता है कि रेस्क्यू टीम अगर गई है तो वापस भी आना चाहिए। देखिए अब क्या किस तरीके से कवायद की जा रही है सरकार, लेकिन फिलहाल सरकार की जानकारी में है, और विपक्ष तो भाई विपक्ष है, क्या कहेंगे। मुकुल जी आपको क्या लगता है कि इस पर विपक्ष जिस तरह से हमलावर होता रहा है और अब बचाव कर्मी फंसे हुए हैं, तो हालांकि अभी तो इस पर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से जब N-32 विमान गायब हुआ था तब विपक्ष जरूर हमला किया था। हाँ वो शुरू में आशंका असल में एक व्यक्त की गई कि ऐसा तो नहीं है चीन ने हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया हो, प्लेन को, इस तरह की एक अफवाह सी उड़ी थी, जिस पर विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए और मोदी सरकार में उन्होंने हमला बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन हमें नहीं लगता है कि रेस्क्यू टीम पर, क्योंकि शव बरामद हो गए, बात बहुत क्लियर हो गई कि एक हादसा हुआ और अब रेस्क्यू टीम को लाने का प्रयास जारी है, तो हाँ ऐसा नहीं, हमारी सेना में बहुत क्षमता है और हमें पूरी उम्मीद है ये रेस्क्यू टीम को सकुशल वापस ले आएंगे। ठीक है वो तो ठीक बात है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पहले तो वो 13 लोग दुर्घटनाग्रस्त में उनकी जाने जाती हैं और उसके बाद जो बचाव कर्मी हैं उनके साथ इस तरह हो रहा है, तो जो और लोग हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं इसका डर जरूर होगा, तो क्या आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो जो बचाव कर्मी है वो इसके लिए आगे बढ़ेंगे? मुकुल जी नहीं नहीं ऐसा कुछ डर नहीं होता है, ये सुरक्षा कर्मियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, इससे भी दुर्गम स्थान जाने की इनके कमांडो ट्रेनिंग होती है, पर्वत चढ़ने की ट्रेनिंग होती है, इसलिए ये तो सोचना ही गलत है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनको ट्रेनिंग ही इसी बात की दी जाती है कि आप रेस्क्यू करके लाना है, आप कोई फंसा जहाज है या कहीं दुर्गम स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है कैसे आएगा, वो ट्रेंड लोग होते हैं, बिल्कुल ट्रेंड लोग होते हैं। हाँ। और जो फंसे हैं वो भी सब ट्रेंड हैं, वो सिर्फ मौसम का इंतजार कर रहे हैं, वो खुद भी निकल सकते हैं सक्षम है, बाकी तो रेस्क्यू टीम यहाँ से सेना की हेलीकॉप्टर और पूरा लगे हुए हैं निगरानी में, वो इनको अपलिफ्ट कर लेंगे। ठीक है तेज बहादुर जी आपको क्या लगता है? नहीं मुझे भी बता रहा जिस तरह जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि जो टीम गई वहाँ पर वो वेल ट्रेंड टीम होती है सेना की, हमारी सेना में ऐसे ऐसे रेस्क्यू के लोग रखे हुए जाते हैं कि किसी भी दुर्गम स्थान से किसी भी इस टाइप की पहाड़ियों पर चढ़ कर गए, और भाई होता क्या, इससे पहले भी आपने देखा होगा, इससे पहले भी इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है दुर्गम स्थानों पर, और वहां से भी लोग बच करके निकल के आए हैं। ठीक है तो फिलहाल अभी वहां पर मौसम का इंतजार किया जा रहा है कि मौसम सही हो जिसके बाद एयरलिफ्ट के जरिए उन बचाव कर्मियों को सही सलामत वापस लाया जाए। फिलहाल आज हमारे साथ चर्चा में शामिल थे मुकुल मिश्रा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और तेज बहादुर सिंह जी ये भी वरिष्ठ पत्रकार है। सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस तरह से सर्च ऑपरेशन अभी वहां पर चलाया जा रहा है जिससे कि उन बचाव कर्मियों को सही सलामत वापस लाया जाए, तो 9 दिन से ये बचाव कर्मी वहां पर फंसे हुए उस दुर्गम स्थल पर, ऐसे में सवाल बड़ा है कि वो बचाव कर्मी अभी किस हालात में होंगे और आने वाले वक्त में कब तक वहां पर मौसम सुधरेगा जिससे वो सही सलामत वापस आ सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉच। नमस्कार।